अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शहनाज, आप देख रहे हैं चुल्ला चौंतरा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे आलू मेथी का सालन। चलें आलू मेथी का सालन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे एक कप सरसों का तेल। तेल गरम होने का इंतज़ार करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम डालेंगे 2 अदद प्याज दरमियानी। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, हल्का ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन कुटी हुई। अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। अदरक की भी बनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद टमाटर कटे हुए। तीन चम्मच पीसी मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ। चार अदद हरी कटी हुई मिर्च, 1 प्याली पानी डालेंगे ताकि मसाले की अच्छी से भुनाई हो जाए। पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 किलो आलू। एक किलो हमने मेथी ली है, इसको अच्छी तरीके से साफ करके कटिंग कर ली इसकी बारीक बारीक और धो लिया अच्छी तरीके से। अब हम मेथी डालते हैं। मेथी मैंने डाल ली है, अब इसको हमने ढक देना है ढक्कन के साथ और 10 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे दम पे रख देना है। 10 मिनट हो गए हैं, मेथी ने पानी छोड़ दिया है। अब हम पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। मेथी में जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। जितनी इसकी भुनाई करेंगे आलू मेथी उतनी मज़े की बनेगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करेंगे। आलू मेथी की हमने अच्छी से भुनाई कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। आलू मेथी हमारी हो गई तैयार। अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं। आलू मेथी का सालन हमारा हो गया है तैयार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।